मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। संध्या का समय हो चुका है, लगभग इस वक्त 4 बज चुके हैं। दोस्तों, जैसे हम आपने आपको बताए थे कि हम यहाँ का जरूर आपको वीडियो देते रहेंगे, तो ये गंडोला पे हम लोग आए हैं और यहाँ का जो दृश्य है आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। जो कि कहते हैं कश्मीर वाकई में स्वर्ग है तो स्वर्ग है, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं, फार्मर भी आते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ घूमने के लिए, तो ये जो दृश्य है शायद आपको अगर फील करना है या तो टीवी में आप देखेंगे या तो कैमरे के माध्यम से देखेंगे, लेकिन अगर रियल फीलिंग करनी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा गंडोला और इस पिक पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से आपको जब आप आएंगे तो यहाँ पे राइडिंग करनी पड़ जाएगी, तभी आप यहाँ पे आ पाएंगे। और ये जो सुनहरा दृश्य है, ज़रा फील करिए आप कि आप एक इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ के भाई हैं जो लेके आए हैं बाइक से, किस इसका क्या नाम बोलते भाई, स्नो बाइक, स्नो बाइक, स्नो बाइक से हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो स्नो बाइक ये लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं बर्फ़ वाले क्षेत्र में। हम लोग तो मैदानी वाले एरिया से हैं, और मैं आपको मिलाना चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे प्रेसिडेंट सर भी हैं। और साथियों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गंडोला कश्मीर में, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, -7 का टेम्परेचर यहाँ पे। साथियों, हम अजीत है, पूरे टीम के लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। ये कहना चाहूँगा साथियों कि नेक्स्ट टारगेट आएगा कश्मीर का, आप एफर्ट करिए, जीतिए और घूमिए, बहुत अच्छी जगह। साथियों धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं साथियों। थैंक यू सर, और थैंक यू दोस्तों। और एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ व्यू, देख लीजिए कि ये जो बर्फ़ पे आप देख रहे हैं, जो पेड़ है उस पेड़ पे आप देख रहे हैं, सारे बर्फ़ पड़े हुए हैं, पेड़ पे स्नोफॉल हुआ है। और इस दृश्य को क्या कीमत लगाएंगे, एक बार 4 Square के साथ आइए और दिल से जुड़िए। 4 Square दोबारा भी आपको कश्मीर ट्रिप देने चाह रहा है और देगा। बनाइए, नहीं तो बनाइए। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग काफ़ी पी रहे हैं, यहाँ की एक काफ़ी आपको बता दूँ कितने का है एक काफ़ी भाई, 60 रुपये की यहाँ काफ़ी मिल रही है। क्या बात है। हेलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद 4 Square का, क्योंकि 4 Square ने जो टारगेट दिया उस टारगेट पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं।